स्वागत है, मैं हाँ राजविंदर कौर। गल करते हैं सिडनी की। सिडनी में कोरोना कारण हालात बदतर होंदे नज़र आ रहे हैं, तो मरीजों का अंकड़ा लगातार वाधा जा रहा, जो कि चिंता का विषय बनया हुआ। एन एस डबल्यू की सूबा प्रीमियर ग्लैडिस ने कहा कि इन वाधे हुए केसा रोकने लिए असी हर संभव कोशिश करांगे, तो इस ही लोगों भी घर रहने की अपील की गई है। सिडनी विखे किसी भी प्रकार के जनतक इकट्ठ से हर प्रकार गतिविधियां रोकने लिए एन एस डबल्यू वालों एक पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के 1500 तो वध पुलिस अधिकारी, पब्लिक ऑर्डर एंड राइट स्क्वाड, हाईवे पेट्रोलिंग कमांड, इस तो इलावा कुत्तियां भी इस मुहिम के शामिल किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई दौरान 47 लोगों गिरफ्तार किया है, तो अगली कार्रवाई की जा रही है। उत्थे ही एक 32 साल फाइव डॉक नाम के व्यक्ति को अज दोपहर लगभग 12:30 बजे माउंटेन स्ट्रीट विखे एक पुलिस अधिकारी से हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तो उस पुलिस अधिकारी को इलाज लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया, क्योंकि उसकी गर्दन और सिर पर सटा लगियां सन। पुलिस और एमरजेंसी सेवाओं बारे मंत्री डेविड एलियट ने कहा कि वह निराश हैं, क्योंकि लोगों ने खुद अंदर रहन और बाकियों को सुरक्षित रखने की सारी चेतावनियों नज़रअंदाज किया। ट्रैफिक ऑपरेशन 137 अजिहे लोगों की पछाण की गई है, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ उद्देशों की उलंघना की है, तो जिन्होंने कोल यात्रा लई कोई खास कारण भी नहीं सी। सड़की कार्रवाई करदे होया पुलिस द्वारा 38,000 वाहनों की जांच की गई है, तो 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर लैन यौन ने कहा कि वह 1500 पुलिस कर्मचारियों के धनवादी हैं, जिन्होंने अज दी सड़की गतिविधियों नेपरे चाढ़िया।